देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। हमारे पुरखों की कब्रगाह से इनको भी निकाला जाए, इनकी कब्रों को भी उठा करके डिटेंशन कैंप पर रखा जाए, इसीलिए मैं ही आपको बता रही हूँ। ये है कांग्रेस के नेता, लेकिन लगता है गलती कर बैठे। अगर नेतागिरी छोड़कर अभिनेता बने होते तो ऐसी एक्टिंग के लिए तो पक्का ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो ही जाते। हमारे पुरखों की कब्रगाह से इनको भी निकाला जाए, इनकी कब्रों को भी उठा करके डिटेंशन कैंप पर रखा जाए, इसीलिए मैं ही आपको बता रही हूँ। खैर, एक तरह से ठीक ही है कि अभिनेता नहीं बने, वरना ऐसी एक्टिंग के आगे तो बड़े बड़े सितारे फेल हो जाते। बिना स्क्रिप्ट के ही इतना बढ़िया एक्टिंग जो कर रहे हैं, लाजवाब है, मजेदार। बेचारे अभी के अभिनेताओं की रोजी रोटी पर लात पड़ जाती। CAA को लेकर जगह जगह प्रदर्शन तो हो रहा है, नेता भी खूब विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज के कांग्रेस के पूर्व शहर महासचिव हसीब अहमद ने जो किया वो छा गए। सोशल मीडिया पर इन्हीं के चर्चे हर ओर हैं। इस मुल्क के रहने वाले हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ी इसी मुल्क में रहे हैं और इसी मुल्क में जमींदोज हो गए हैं, तो हम अपने पुरखों की कब्रगाह पर आकर के उनसे इस बात की गवाही ले रहे हैं कि आप उठिए और गवाही दीजिए कि हम इस मुल्क के हैं, इस मुल्क के हम पाशिंदे, इस मुल्क के हम रहनुमा हैं। और अगर डिटेंशन कैंप में हमको रखा जाता है तो हमारे पुरखों की कब्रगाह से इनको भी निकाला जाए, इनकी कब्रों को भी उठा करके डिटेंशन कैंप पर रखा जाए। कांग्रेस नेता हसीब अहमद पहुंचे कब्रिस्तान और पूर्वजों की कब्र पर लगे दहाड़ मारकर रोने। कहते हैं कि मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अगर हमें डिटेंशन सेंटर में डाला गया तो हमारे पूर्वजों को भी डालिए, कब्र ले जाइए और उन्हें भी डिटेंशन सेंटर में डालिए। पूर्वजों की कब्र को पकड़कर कहने लगे कि उठिए, आइए ना बाहर, बताइए ना सभी को कि मैं इसी देश का नागरिक हूँ, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। कहने लगे कि गवाही दीजिए क्योंकि मेरे पास तो कोई कागज है ही नहीं, और केंद्र वाले मंत्री कह रहे हैं कि कागज तो दिखाना होगा। NRC और CAA के मुद्दे पर जिस तरीके से देश के अंदर विभाजन की राजनीति चल रही है, तो हमारे पास अब कुछ दस्तावेज है नहीं दिखाने के लिए कि हम लोग सरकार को क्या दिखाएं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार हमला कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आप NRC और CCA के जद में अगर आ रहे हैं तो आपको अहम दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, तो हम लोग अपने पुरखों की कब्रगाह पर आए हुए हैं क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है दिखाने के लिए, तो इस मुल्क के हम पाशिंदे हैं, इस मुल्क के हम बंदे हैं। फूट फूट कर रोने लगे, छाती पीटने लगे कि करे तो क्या, इसी देश के नागरिक हैं, नहीं जाना इस देश को छोड़कर, कब्र से बाहर आइए और सभी को गवाही दीजिए। नेताजी का दर्द उनके सहयोगी को देखा नहीं गया और सांत्वना देने के लिए फौरन हाजिर हो गए। सोचा होगा कि इसी नौटंकी में लगे हाथ नंबर भी बना ले। सरकार से हटने जा रहा है मेरे भाई, इस मुल्क की न्यायपालिका पर और इस मुल्क के संविधान पर हम सबको भरोसा है मेरे भाई, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी, फिकर मत कर मेरे दोस्त। उसने कहा है कि एक इंच नहीं हटेंगे, इंशाअल्लाह वो बिल्कुल से सरकार से हटने जा रहा है। खैर, एक मजेदार बात भी जानिए, नेताजी को CAA के बारे में ढंग से पता नहीं है। CAA तो तरीके से बोल नहीं पा रहे, CAA की जगह CCA चिल्ला रहे हैं और चले प्रदर्शन करने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार हमला कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि आप NRC और CCA के जद में अगर आ रहे हैं तो आपको अहम दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। CAA के विरोध का गजब का तरीका निकाला है, मजेदार तरीके से हल्ला बोल रहे हैं। भले पहले ठीक से लोग पहचानते भी नहीं होंगे इन्हें, लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद तो सोशल मीडिया पर छा गए।